पण वडाळ उंडा आहे म्हणजे माझं लहानपण त्याच्या तुमच्यामध्ये गेले दिसत आहे. हा तुमचा हक्काचा घरातला भाऊ एकनाथ शिंदे या राज्याचा आता मुख्यमंत्री झालेला आहे, त्यामुळे तुमचा हक्काचा माणूस तिथं बसला आहे, त्यामुळे काळजी करू नका. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को वडार समाज का जाहिर समर्थन प्रदान करने के लिए एकनाथ शिंदे के कट्टर समर्थक वडार समाज के दबंग नेता बी वडार महाराष्ट्राचा के संस्थापक अध्यक्ष पूर्व विरोधी पक्ष नेता विजय चौगले ने आज मुख्यमंत्री के सरकारी निवास स्थान नंदन वन में जाकर अपना जाहिर समर्थन दिया है, जहां इस दौरान विजय चौगले के साथ कार्याध्यक्ष सचिव सुरेश धोत्रे, निवृत्ति चाफलकर, पूर्व नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी, वहीं लातूर, कोल्हापुर, सोलापुर, सातारा, सांगली, नागपुर, बुलढाणा, अहमदनगर, कराड, थाने, रायगढ़, सांगली, भीड़, वर्धा और मुंबई जैसे विभिन्न क्षेत्रों से राज्य भर से आए वडार समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे. इस दौरान विजय चौगले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को वडार समाज के आराध्य दैवत बजरंग बली को प्रिय अर्थात चांदी का गदा एकनाथ शिंदे को प्रदान कर एकनाथ शिंदे के साथ मजबूती से खड़ा रहने का दम भरा. कष्टकरी और बाहुबली समाज के तौर पर परिचित वडार समाज का महाराष्ट्र के विकास में अहम योगदान रहा है, मगर मेहनतकश ये समाज आज भी कहीं न कहीं अपने अधिकारों से वंचित है. यही कारण है कि विजय चौगले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को वडार समाज का जाहिर समर्थन के साथ वडार समाज से जुड़े 6 प्रमुख मांगों का ज्ञापन भी सुपुर्द किया. इस दौरान विजय चौगले ने जो मांग रखी उनमें शामिल थी सोलापुर स्थित मंडडी बस्ती में 51 फुट हनुमानगढ़ के निर्माण को प्रशासकीय मान्यता जल्द प्रदान की जाए, सोलापुर, कोल्हापुर, उस्मानाबाद जैसे इलाकों में समाज के पारंपरिक व्यवसाय जैसे कि खान और क्रशर को